2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, लिहाजा इसको लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं। इस कड़ी में AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी चुनाव को लेकर काफी एक्टिव हो गए हैं। पिछले दिनों उन्होंने चुनावों में पिछले दरवाजे से बीजेपी को फायदा पहुंचाने को लेकर खुलकर जवाब दिया, तो वहीं बीते दिनों उनके ट्विटर हैंडल से 57 सेकंड का एक वीडियो शेयर हुआ है। वीडियो में ओवैसी हैदराबाद लोकसभा से सभी पार्टियों को चुनाव लड़ने की दावत दे रहे हैं और कहते दिख रहे हैं, कोई अगर कहता है कि हम हैदराबाद से चुनाव लड़ेंगे, कोई अगर कहता है कि AIMIM के खिलाफ लड़ेंगे, अरे मैं तो तुमको दावत दे रहा हूं कि आओ लड़ो मेरे खिलाफ, कौन आपको रोक रहा है। ओवैसी यही नहीं रुके, बीजेपी के खिलाफ आगे आवाज तेज करते हुए उन्होंने वीडियो में कहा, कौन आपको रोक रहा है, तुम हैदराबाद से लड़ो, मेदक जाऊंगा, सिकंदराबाद भी जाऊंगा, औरंगाबाद भी जाऊंगा और किशनगंज भी जाऊंगा, मेरी मर्जी है, मेरी जमात का फैसला होगा, मगर ये मत कहो जब मुकाबला होगा तो रोना नहीं, आओ मुकाबला करो, मुझे जितना मजा मुकाबला करने में आता है बातचीत करने में नहीं आता, इसलिए इन लोगों को बड़ी बड़ी बातें करना शोभा नहीं देती। मैं तो तुमसे कह रहा हूं कि जहां कहीं भी AIMIM से मुकाबला करना है करो, मुकाबला करने में मुझे जितना मजा आता है बातचीत करने में नहीं आता। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले तेलंगाना में इसी साल के अंत में विधानसभा के चुनाव है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी तेलंगाना में पूरी ताकत से चुनाव लड़ने की योजना बना रही है और मुस्लिम बहुल सीटों के साथ ही अन्य सीटों पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने की कोशिश में है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री KCR की BRS, कांग्रेस, बीजेपी और AIMIM चुनावी मैदान में होंगी। ऐसे में ओवैसी कोई चुनावी मैदान में कसर नहीं छोड़ना चाहते। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।